पिटसब के बाद जच्चा बच्चा की मौत, निजी चिकित्सा पर लापरवाही का आरोप लगाते हो परिजनों ने किया हंगामा। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे कोतवाल राजकुमार शर्मा ने संभाला मोर्चा। आक्रोशित भीड़ को कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कराया शांत। एडवोकेट प्रेम पाल भी मौके पर पहुंच गए और अपने समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर महिला के सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के एक निजी चिकित्सालय में पिटसब के दौरान नवजात की मौत के बाद उपचार के लिए महानगर ले जाते समय प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर मृतका के सब को विच्छेदन हेतु महानगर भेजा है। क्षेत्र के गांव फाजिलपुर वासी कुंवर सेन अपनी गर्भवती पत्नी भूरी को लेकर अपनी ससुराल नगर के नजदीकी ग्राम कुंवर सेन। क्या पूरा मामला बताओ, क्या हुआ था? जो डिलीवरी होने वाली थी सर। आप रहते कहाँ? फाजिलपुर। अच्छा, डिलीवरी होने वाली थी, यहाँ लाए, इन्हें देखा, बोले ऐसा है औरत मिल जाएगी बच्चा नहीं मिलेगा आपको। हमने कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, बोले हमें औरत मिल जाए बच्चा ही तो कोई बात नहीं होगी। इनने करते करते इनने ऑपरेशन भी कर दिया, पैसे भी जमा करा लिया। कराने के बाद में कितने पैसा जमा कर रहा है? कितने पैसा जमा कर रहा है? 5,000 रुपये। अच्छा, 5,000 में तो 5,000 जमा करा लिए। हाँ, जमा कर 5,000 जमा कराया था। भाई ऑपरेशन के 50,000 रुपये मांगे थे। ऑपरेशन के 50 मांगे पर इनने ब्लेड मांगा, बोले ऐसा इसको ब्लेड नहीं रुक रहा, इसको ब्लेड लेके आ बोले। तो हम ब्लेड लेने चले गए। दिन भर औरत हमारी सही रही, इनको ब्लेड चलाते चढ़ा ना क्या कर दिया ना जाने। तो इनने अपने आप से एम्बुलेंस मंगा लिया, मंगा के बोले इसको ले जाओ यहाँ से, ले जाओ अथवा बरेली ले जाओ, बरेली। अभी अब क्या पता इनने क्या कर दिया साहब, तो मेरी औरत बरेली में दम तोड़ दिया मेरे को। तो आपका जो बच्चा है उसने भी दम तोड़ दिया? अच्छा, बच्चा तो है ही नहीं। बच्चा तो है ही नहीं, वो लड़का तो ही, वो लड़की तो ही मरी लिखा। तो आप क्या चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहता मैं सर। मैं आपका हाँ, क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था यहाँ पर? आशा को मैंने फोन किया, आशा गई मेरे पास में गाड़ी भेजा, गाड़ी आई एम्बुलेंस, मैंने लड़की को एम्बुलेंस में डाला तो सरकारी अस्पताल में ले गई। सरकारी अस्पताल में जाने की बात भाई, तो बोले तुम इसे कहीं ले जाओ भाई, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। आशा ने क्या काम करा कि यहाँ ला के डाल दिया साहब। मैं पैसा की ज़रूरत में घूमने लगा, क्यों मेरे पास में जो लड़की आते जाती रहती है, बच्चा जितने भाई इसके 3 लड़की हैं मेरे पास में आई, तीनों लड़की मेरे पास में लड़की। और साहब मेरी औरत जो थी वो खत्म हो गई थी। लड़की कहाँ शादी करी थी? लड़की साहब फाजिलपुर। फाजिलपुर में आप कहाँ रहते हो? मैं साहब इन जागी। तो ये आपके पास रह रही थी? हाँ, मेरे पास में आती जाती जैसे रहती नहीं थी, रहती नहीं थी, 10-15 दिन के तहीं आती थी, चली जाती थी मेहमानी बतौर मेहमान। और साहब मेरी लड़की के पैसे कोई कमी नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ आशा ले आवेगी। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर बोले कि आपका मरीज सही है सही है सही है, जब मेरे दिमाग जैसे खून लाए, खून चढ़ाया, उसी वक्त झटका पड़ने लगा, उसी वक्त बोले बरेली ले जा। जब तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो तुमने क्यों मरीज को लिया? तुम तो सब मना करते कि हमारे बस की बात नहीं भैया, अपना मरीज ले जा। अब आप क्या चाह रहे हो? अब चाह कर अब उनकी बहू है, जमान है हमारे, जो वो चाहेंगे भैया वो हम चाहेंगे।